हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी के बारे में, जिसका नाम है सूटकेस किलर, द स्टोरी ऑफ मेलेनी मैकगुअर। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक यंग लड़की को वर्जीनिया बीच पर देखते हैं मेटल डिटेक्टर के साथ। कुछ आगे जाने पर उसे एक सूटकेस दिखता है जो पानी के पास लवारिस पड़ा था। जैसे ही वो लड़की उसे खोलती है, बदबू से उसे उल्टी आ जाती है और अंदर से निकल आते हैं किसी के हाथ कटे हुए। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं पूरे 10 साल पहले, जिससे हमें पता चलता है ये किसके हाथ है और उसके हालत ऐसे क्यों हुई। हम एक मेलेनी नाम के लड़की से मिलते हैं जो एक बार में वेट्रेस का काम करती है और साथ ही साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही है। एक दिन उसका एक कोवर्कर बिल उसे डेट पे जाने के लिए पूछता है, जबकि उसके गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। मेलेनी को भी ये बात पता थी, मगर फिर भी वो राजी हो जाती है जस्ट फॉर फन। दोनों उसी रात एक कैसिनो पे जाकर बहुत देर तक गैम्बलिंग करते हैं। लकीली बिल्कुल प्रॉफिट भी होता है बहुत सारा, तो वह मेलेनी को अपना लकी चार्म मानने लगता है। ऐसे ही शुरुआत होती है उनके रिश्ते की। ना चाहते हुए भी ग्रेजुअली मेलेनी उसके प्यार में पड़ ही जाती है। भले ही उसकी दोस्त सेलेन उसे बहुत बार वार्न करती है कि बिल बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी है, सबसे फ्लर्ट करता रहता है, उसके पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और उसके कई सारे गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं, मगर मेलेनी इन बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। उसे यकीन था वह बिल को बदल देगी। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से होने लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर वो लोग एक साथ एक घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं और बिल उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। हकीकत सपने से भी ज्यादा खूबसूरत बन चुका था मेलेनी के लिए। मगर इसी बीच एक दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह दस्तक देती है एक लड़की उनके दरवाजे पर। इसका नाम था मर्सी, बिल की एक्स वाइफ। वो बिल पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाती हैं, जैसे वो सीरियल चीटर है, किसी एक लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता, मैरिड होते हुए भी उसके कई सारे गर्लफ्रेंड्स थे, ऊपर से वो अब्यूसिव भी है, गुस्से में बहुत वायलेंट हो जाता है। एक रिश्ते को तोड़ने के लिए ये काफी थे। मर्सी के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, मगर पता नहीं क्यों मेलेनी इन बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती, यकीन तक नहीं करती वो। उतने में बिल घर लौट आता है और वो दोनों मिलकर मर्सी को भगा देते हैं। असल में इसके कुछ दिन बाद ही उनकी शादी थी और तब तक मेलेनी कंसीव भी कर चुकी थी, तो वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है मेलेनी ने एक और बेटे को जन्म दिया है और अभी वो सभी वुडब्रिज के घर में रहते हैं। मेलेनी शहर के बेस्ट फर्टिलिटी केयर में नर्स है और बिल एक यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर का काम करता है। लाइफ काफी स्मूथली चल रही है उनकी, मगर मेलेनी अपने नेबरहुड से सेटिस्फाइड नहीं है। उसे अपने बच्चों को बेटर एडुकेशन देना था, इसलिए वो एक नए घर की तलाश कर रही थी। एरिया तक सिलेक्ट कर चुकी थी वो, मगर उसके लिए उन्हें अपनी सेविंग्स बढ़ानी होगी। लेकिन वो तो तब पॉसिबल होगा ना जब बिल अपने गैम्बलिंग को बंद कर पाए, सब कुछ तो वो उसी में लुटा देता है। Besides, उसके एक और साइड के बारे में मेलेनी को रिसेंटली पता चला है। वो चीट करने लगा है मेलेनी पर, एग्जैक्टली जैसे मर्सी ने वार्न किया था। एक दिन बिल के पेपर्स में से उसे एक लड़की का नाम और नंबर मिलता है, और दूसरे दिन जब वो अपने क्लिनिक में थी तो उसी नाम से एक लड़की आती है चेकअप करवाने। बातों बातों में मेलेनी को पता चल जाता है कि वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जहाँ बिल टीचर है। मेलेनी को समझने में देर नहीं लगती मामला क्या है। गुस्से में पागल हो जाती है वो, पैनिक अटैक आ जाता है उसे, बहुत अजीब बिहेव करने लगती है वो, जिससे हम समझ पाते हैं एंकर इश्यूज उसे भी है, मगर बहुत जल्द वो खुद को संभाल भी लेती है और रात में चोरी छुपे बिल का पीछा भी करती है। खुद अपने आंखों से अपने पति को देखती है उस लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए। फिर भी मेलेनी कुछ नहीं कहती, अपने बच्चों के खातिर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, मगर कब तक। बिल तो उसके मुंह पर झूठ बोल रहा था, सच को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा था वो। मेलेनी और सह नहीं कर पाती एक पॉइंट पे, वो ये डिजर्व नहीं करती। रात रात भर डिनर टेबल पे उसके लिए इंतजार करते करते थक चुकी थी वो। तो एक दिन वो मन बना लेती है कि अगर बिल उस पर चीट कर सकता है तो वो क्यों नहीं। काइंड ऑफ डिस्पेरेट होके ही मेलेनी अपने बॉस के साथ एक अफेयर शुरू कर देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल पीस के लिए। इस बारे में बिल को कभी कुछ पता नहीं चलता, उसके पास वक्त ही कहाँ था। अपने पार्टी, गर्लफ्रेंड्स और गैम्बलिंग से फुर्सत मिले तब ना।
वो इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुका था कि गुंडों से पैसे उधार लेके भी वो खेलने जाता था, इस उम्मीद से कि आज वो सारा पैसा जीत लेगा, मगर ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे उधार के नीचे दब चुका था वो, बच्चों के स्कूल फीस तक ले लेता था। मेलनी अगर पूछती थी तो हजारों बहाना बना देता। हफ्तों तक गायब रहता था वो, कहाँ मेलनी को कोई आइडिया नहीं होता था, उसका फोन तक रिसीव नहीं करता था बिल। एक्चुअल में उनका रिश्ता ऑलमोस्ट टूटने के कगार पे आ चुका था, मगर मेलनी उसे डिवोर्स देना नहीं चाहती थी, ना वो डॉक्टर मिलर के साथ अपने रिश्ते को और कोई टाइटल देना चाहती थी। उसका अपना बचपन काफ़ी डिफिकल्ट रहा, वो जब बहुत छोटी थी तब उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके माँ ने बाद में दूसरी शादी कर ली, भले ही उसका स्टेप डैड बहुत अच्छे आदमी है, बट स्टिल वो उसके पापा की जगह कभी नहीं ले सकते। मेलनी को बहुत भुगतना पड़ा था इस कारण, काफी मेंटल प्रेशर पड़ा था उस पर, वो अपने बच्चों पर ये प्रेशर डालना नहीं चाहती है। डॉक्टर मिलर उसके लिए खुद को फ्रेशन अप करने का बस एक तरीका है, जिससे उसे जिंदगी को झेलने की ताकत मिले और कुछ नहीं। देखते देखते और 4 साल बीत जाते हैं, फाइनली कुछ अच्छा होने जा रहा था, उनका ड्रीम होम उन्हें मिल चुका था, मगर अभी मेन प्रॉब्लम थी पैसा। बिल तो कुछ देने से रहा, मेलनी को अकेले ये सब कुछ मैनेज करना होगा, मगर कैसे उसे कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से बिल का अफेयर, वो मस्त था अपने दुनिया में, हर दिन मिलने जाता था उस लड़की से। एक दिन मेलनी और सह नहीं कर पाती, उस लड़की का मैसेज देख लेती है वो, और एग्जैक्टली जिस टाइम पर बिल उसे लेकर डेट पे जाने वाला था, निकलने वाला था, मेलनी उसी वक्त जाकर उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट के दूसरे साइड रख देती है। उसे पता था बिल इसे इजीली हजम नहीं करेगा, उसका डेट जो खराब हो चुका था। होता भी यही, देर रात घर लौटकर बहुत चिल्लाता है वो मेलनी पर। वो श्योर था ये मेलनी का ही काम है, क्योंकि बस उसी के पास गाड़ी की दूसरी चाबी रहती है। गुस्से में वो उस पर हाथ भी उठाने जाता है, मगर उठाता नहीं, संभाल लेता है खुद को। मेलनी कोशिश कर रही थी इन चीजों से कोप अप करने की, बिल का टेम्पर झेलना कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन इस समय उसके खुद के काम काज का भी कोई मतलब नहीं बन रहा था। जैसे एक दिन हम देखते हैं वो चोरी छुपे डॉक्टर मिलर के केबिन में जाकर उसका प्रेस्क्रिप्शन पैड चुरा लाती है और फिर उसका सिग्नेचर कॉपी करने लगती है। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में जो हम समझ नहीं पाते। और उस रात हम मेलनी को देखते हैं बिल्कुल ही अलग अंदाज में, बहुत अच्छे मूड में दिख रही थी वो। असल में नए घर की न्यूज से उसे एक होप मिली थी, सब कुछ फिर से स्टार्ट करने का दूसरा मौका मिल रहा था उसे, शायद वहां सब कुछ बेटर होगा। बिल भी खुश था और खुशी खुशी वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है इन अ पॉजिटिव वे। मगर ऐसा होता नहीं। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही पुलिस को बिल की लाश मिलती है। पता चलता है इससे पहले और भी 2 सूटकेसेस मिल चुकी है उन्हें, इसी सेम ब्रांड की, जिसमें एक ही इंसान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स थे। लास्ट सूटकेस में जब लाश का सर मिलता है तो आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। पुलिस को पता चल जाता है ये बिल की ही लाश है और वो लोग अपने तरह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। मेलनी को इन्फॉर्म किया जाता है, वो तब अपने पेरेंट के घर में थी। सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता बिल का ऐसा हाल कौन कर सकता है। बाद में जब उसे इंटेरोगेट किया जाता है तब कुछ बातें सामने आती हैं। हमें पता चलता है इन 2 हफ्तों में क्या हुआ था। मेलनी बताती है बिल उस घर को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे वर्जीनिया बीच पर अपना ड्रीम हाउस बनाना था। तो 2 हफ्ते पहले एक रात अचानक दोनों में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया। बिल ने उस पर हाथ भी उठाया और फिर उसी रात घर छोड़कर निकल गया अपना सामान पैक करके। मेलनी को लगा वो हर बार की तरह अपने किसी गर्लफ्रेंड के पास गया होगा, तो वो बेकार में टेंशन नहीं लेती बल्कि पुलिस के पास जाकर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स फाइल करती है और साथ ही में डिवोर्स के लिए अप्लाई भी। वो इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती, इसे तो बस अपनी परी है मेलनी, या फिर अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा उसने, तो मेलनी क्यों सोचे। उसके लवर डॉक्टर मिलर को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो जब मेलनी उसे अपने डिसीजन बताती है वो भी चौंक जाते हैं। कुछ दिन पहले उसने कहा था कि वो अपने बच्चों का चाइल्डहुड खराब करना नहीं चाहती, तो इतनी जल्दी उसकी डिसीजन बदल कैसे गई। सेम सवाल पुलिस का भी था, उसके स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग लिंक्स थे जिन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जो कुछ भी क्लेम कर रही थी, सारे अब्यूसेस, लीगल मूव्स, FIR, इवन डिवोर्स के अपील भी, सब कुछ बिल के गायब होने के बाद ही लॉन्च किया गया था।
as if वो हड़बड़ी में अपने नैरेटिव को बैकफिल करने की कोशिश कर रही है। हर सवाल का जवाब था उसके पास, जैसे उसका घर चेक करने पर पुलिस को उसी ब्रांड का एक सूटकेस दिखता है जिसमें बिल की लाश मिली थी। पूछने पर मेलेनी दावा करती है हाँ वो लोग इसी ब्रांड को यूज करते हैं, मगर उस दिन बिल घर से निकलते वक्त अपना सामान भी इसी एक सूटकेस में लेकर गया था। पुलिस को उसके एक रिसेंट गन परचेस के बारे में भी पता चलता है। भले उसके घर से वो गन नहीं मिलती, मगर बिल के शरीर से जो बुलेट्स मिलती हैं वो इसी बंदूक की थी। इसमें भी मेलेनी का कहना था कि बिल जाते वक्त वो गन साथ लेकर गया था, तो हो सकता है किसी ने उसी के बंदूक से उसे मारा हो। हाँ ये हो सकता था, मगर पुलिस को समझ नहीं आता मेलेनी को इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसे बिल के गायब हो जाने के ठीक 2 दिन पहले ही एक बंदूक खरीदना पड़ा। इसके जवाब में मेलेनी कहती है कि उसे बिल ने ही फोर्स किया था। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर भी पुलिस को घर से खून का कोई दाग या फिर स्किन फ्रैगमेंट्स नहीं मिलता, बस किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीच का ट्रेस मिलता है जो नेचुरली हाउस होल्ड चोर्स में यूज नहीं होता। और जब बिल की गाड़ी मिलती है कि इम्पाउंड यार्ड से, तो उसमें बिल के कुछ ब्लड सेल्स जरूर मिलते हैं। अब इसके बारे में तो मेलेनी को कुछ नहीं पता, उसने तो बिल को बस घर से निकलते वक्त ही देखा था जब वो उसके डर से अपने बेटे के साथ बाथरूम में छुपी थी। उसे लग रहा था ये खून किसी माफिया ने किया होगा जिससे उसने पैसे उधार लिए थे, जरूर टाइम पर रिटर्न नहीं कर पाया। मगर पुलिस को ऐसा नहीं लगता, पैसों के लिए कोई इतने बेरहमी से किसी का खून क्यों करेगा, और फिर लाश को छुपाने की कोशिश भी तो की गई है। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जिसके दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा हो, नफरत करता हो वो बिल से। बिल की बहन सिंडी को भी यही लग रहा था और उसका शक जा रहा था मेलेनी पर। उसे मूव ऑन करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, खूनी को पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे, इवन फ्यूनरल तक उसने ठीक से अरेंज नहीं किया। वो ये सारी बातें पुलिस को जाकर बता देती है और उनका शक और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अभी बस कमी थी तो एक मोटिव की, जो उन्हें पूरे 2 महीने मेलेनी पर नजर रखने के बाद मिल जाता है। उन्हें पता चल जाता है डॉक्टर मिलर के बारे में, उनके अफेयर के बारे में। धीरे धीरे सारे मिसिंग लिंक्स जुड़ने लगे थे, कुछ फैक्ट्स उनके सामने थे और बाकी का वो लोग अज्यूम कर रहे थे। मेलेनी का जो लैपटॉप उन लोगों ने सीज किया था, उसके हिस्ट्री से पता चला है मर्डर से ठीक 2 हफ्ते पहले मेलेनी किसी को सीडेट करने की मेडिसिन ढूंढ रही थी। उन्हें यह भी पता चला है कि मेलेनी ने डॉक्टर मिलर का सिग्नेचर कॉपी करके उसी ड्रग को परचेज भी किया था। ऑलरेडी जितने सबूत मिले थे पुलिस उसी पर बेस करके एक स्टोरी तैयार करती है, जिससे हमें पता चलता है असल में उस रात क्या हुआ था। इन रियलिटी मेलेनी और बिल के बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। उस सेलिब्रेशन की रात मेलेनी ने उसके ड्रिंक में सेडेटिव मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था, और नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों के स्कूल भेजने के बाद उसने अपने ही घर में बिल का खून कर दिया और फिर बाथरूम में ले जाकर लाश को टुकड़ों में काटकर सूटकेस में भर दिया जिससे डिस्पोज करने में आसानी हो। उसके बाद रात होते ही उसी के गाड़ी में अटलांटिक सिटी तक ड्राइव करके उन सूटकेस को फेंक दिया समुंदर में, और गाड़ी को एक यार्ड में छोड़कर कैब बुक करके घर वापस आ गई। घर में सब कुछ बहुत केयरफुली क्लीन किया उसने, मगर अपने जूतों के बारे में भूल गए जिससे पुलिस को बिल का DNA मिला था। ये सेम ब्लड सेल ही है जो उसके गाड़ी में भी था। मेलेनी का भांडा फूट चुका था। उसी दिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और तो और उसके बच्चों को भी छीन लिया जाता है उससे। अभी आगे से सिंडी ही उनकी देखभाल करेगी। मेलेनी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, बस उसके पेरेंट्स उसके फेवर में थे, उन्होंने ही उसे बिल दिलवाया पूरे 7,50,000 डॉलर्स के बदले, मगर अपने बच्चों की कस्टडी उसे वापस नहीं मिलती। एक तरफ पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उसे गिल्टी प्रूफ करने की, उसके कन्फेशन पाने की, जिसके लिए उन्होंने मिलर को भी यूज किया, उनके प्राइवेट कॉल्स को रिकॉर्ड किया गया, मगर फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मेलेनी गेम को बहुत ही केयरफुली खेल रही थी, उसके साथ उसके गेम में जीतना आसान ही होगा, लेकिन पुलिस भी हार नहीं मानती। 3 महीने बाद मेलेनी जब फिर से एक बार कोशिश करती है खुद को इनोसेंट प्रूफ करने की, एक लॉयर हायर करती है जो कोर्ट में जाकर उसके बताया गया अजीबोगरीब एक्सक्यूजेस प्रेजेंट करता है जिनका कोई मतलब नहीं बनता। तब पुलिस भी अपनी पूरी एफर्ट लगाती है, उनके पास पक्के सबूत थे और कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी। ऑफकोर्स कोर्ट उसी पर बिलीव करती है। सजा के तौर पर इन 2007 मेलेनी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। पूरे 2 साल तक चलने के बाद इस केस को फाइनली एक वर्डिक्ट मिलती है, मगर मेलेनी अपने बयान से एक इंच भी नहीं हिलती।
इवन अभी भी पुलिस को उसकी कन्फेशन नहीं मिली। अभी भी वो खुद को इनोसेंट ही मानती है, भले ही पूरी दुनिया उसे दिन फेमस सूटकेस किलर का टैग क्यों ना दे दे। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। रियलिटी में भी एक्सैक्टली यही हुआ था तो मैं रिपीट नहीं कर रही। गॉड नोज कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, उसे मारने का हक किसी का नहीं। हाँ वो गैम्बलर था, चीटर था, मूड स्विंग्स होते रहते थे उसके, मेंटली अब्यूज करता था, मगर उसने कभी किसी पर फिजिकली टॉर्चर नहीं किया। और वैसे भी चीटिंग तो मेलनी ने भी उस पर किया था ना, और अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उसे तो वो सिंपली उसे छोड़ सकती थी, उसे मारने की क्या जरूरत पड़ी। फिल्म में इसका एक छोटा सा हिंट दिया गया है, असल में मेलनी खुद भी एक सोशियोपैथ थी, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे उसके। बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खोने के कारण उसे जो स्ट्रेस से गुजरना पड़ा था उसका असर उसके साइकोलॉजी पर बहुत देर तक रह गया। शायद वो बिल के इग्नोरेंस को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, उसे रिवेंज चाहिए था। जो भी हो उसने गलत किया और उसकी सजा उसे मिल रही है, टोटली जस्टिफाइड। आपको क्या लगता है, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।